बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक कॉलम का कहना था कि मुझे ज़िंदगी में किसी ने लाजवाब नहीं किया सिवाय एक औरत के, जिसके हाथ में एक थाल था जो एक कपड़े से ढांपा हुआ था। मैंने इससे पूछा, थाल में क्या चीज़ है? वो बोली, अगर ये बताना होता तो फिर ढांपने की क्या ज़रूरत थी। बस इसने मुझे शर्मिंदा कर डाला। ये एक दिन का हकीमाना कौल नहीं बल्कि सारी ज़िंदगी की दानाई की बात है। कोई भी चीज़ छुपी हुई हो तो इसके इंशाफात की कोशिश ना करो। किसी भी शख्स का दूसरा चेहरा तलाश करने की कोशिश ना करें, ख्वाह आपको यकीन हो कि वो बुरा है। यही काफ़ी है कि इसने तुम्हारा एहतराम किया और अपना बेहतर चेहरा तुम्हारे सामने पेश किया। बस इसी पर इक्तफा करो। हम में से हर किसी का एक बुरा रुख होता है जिसको हम खुद अपने आप से भी छुपाते हैं। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में हमारी पर्दा पोशी फरमाए। वरना जितने हम गुनाह करते हैं, अगर हमें एक दूसरे का पता चल जाए तो हम एक दूसरे को दफन भी ना करें। जितने गुनाह हम करते हैं, इससे हज़ार गुना ज़्यादा करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, जो हमारे तमाम ऐबों पर पर्दे डालता रहता है। कोशिश करेंगे किसी का ऐब अगर मालूम भी हो तो भी इसके बारे में बात ना करें। आगे कहीं आपकी वजह से इसे शर्मिंदगी हुई तो कल क़ियामत के दिन अल्लाह पूछ लेगा कि जब मैं अपने बंदे की पर्दा पोशी करता हूँ तो तुमने क्यों पर्दा फाश किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। नासिर।